तो गाइस हमारे टेलीग्राम पे चल रहा है गिव अवे, जहाँ पे आप लोग जीत सकते हैं अपने फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी और साथ में आप लोग एक वॉच जीत सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में लिंक देखने को मिलेगा, तो जल्दी जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आरसीबी के टीम के लिए गाइस सभी गुड न्यूज पे गुड न्यूज आज यहाँ पे निकल कर आई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी के गुड न्यूज के बारे में, तो वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली गुड न्यूज के बारे में। सबसे पहली गुड न्यूज निकल कर आ रही है आरसीबी के करण शर्मा की तरफ से। तो गाइस सब पे करण शर्मा ने रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, एंड गाइस सब पे रणजी ट्रॉफी में करण शर्मा ने क्या कमाल का गाइस उन्होंने स्पेल डाला है। अगर हम लोग बात करें उनके परफॉर्मेंस की अगर रणजी ट्रॉफी में, तो गाइस सब पे लगातार वो अच्छे करते आ रहे हैं और अभी भी अच्छे कर रहे हैं। और गाइस सब उन्होंने एक जो कमाल का स्पेल डाला है, जहाँ पे उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए हैं। और अगर हम लोग उनकी इकोनॉमी की बात करें, तो गाइस उनकी इकोनॉमी की गाइस सब पे 4 की उनकी इकोनॉमी थी, एंड गाइस पे 29 ओवर उन्होंने डाले थे, जिसमें से गाइस उन्होंने 6 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो गाइस पे बहुत ही अच्छी बात है, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आरसीबी के खिलाड़ियों का परफॉर्म करना एंड बहुत ही अच्छी बात है। और स्पेशली गाइस अगर हम लोग बात करें आरसीबी के लिए क्यों इतना ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि गाइस पे करण शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह देने के लिए आरसीबी की टीम को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी है, एंड गाइस पे कहीं भी इनको गाइस पे जगह मिल सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेइंग 11 में। फॉरेन खिलाड़ी होते तो गाइस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता, क्योंकि फॉरेन खिलाड़ी जो होते हैं वो गाइस पे 4 पिक रहते हैं, एंड उन चारों को गाइस पे लगातार मौके दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइस पे करण शर्मा यहाँ पे एक इंडियन खिलाड़ी है, तो गाइस पे आरसीबी की टीम इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेइंग 11 में मौका देने के बारे में सोच सकती है। क्योंकि जब इतना कमाल की परफॉर्मेंस करके आ रहे, इतने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे, तो आरसीबी की टीम जरूर इसका फायदा उठाना चाहेगी करण शर्मा से। तो गाइस पे इस स्पेल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से। अब गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के टेस्ट, पहले टेस्ट में गाइस पे विराट कोहली ने अपना गाइस पे 100 टेस्ट गाइस उन्होंने खेला है टीम इंडिया के लिए। इसी के साथ गाइस पे विराट कोहली बन चुके हैं 12वें ऐसे इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने गाइस पे 100 टेस्ट मैच खेलाए अपने देश के लिए, और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए। एंड गाइस पे इसके बारे में विराट कोहली ने बात भी किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया भी कि एक स्पेशल मोमेंट में गाइस पे उनके सारी फैमिली मौजूद है, उनकी वाइफ मौजूद है, एंड उसके साथ साथ उनके भाई भी मौजूद है इस स्पेशल मोमेंट में। एंड गाइस उन्होंने सबको थैंक यू भी कहा है, स्पेशली गाइस पे बीसीसीआई को, एंड उसके बाद अपने फैंस को, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट उनके फैंस उनको करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आरसीबी के बारे में भी बात किया गया है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो गाइस पे विराट कोहली के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन गाइस हम सभी को विराट कोहली का यहाँ पे 71st सेंचुरी का अभी भी इंतजार है। एंड गाइस पे विराट कोहली 45 रन बनाए हैं, एंड उसके बाद गाइस पे विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन अभी भी टाइम है। जब दूसरी बार बैटिंग करने के लिए आएंगे विराट कोहली, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि सेंचुरी के साथ गाइस वो वापस जाएंगे पवेलियन, एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पारी खेलेंगे विराट कोहली। हम लोग आरसीबी के फैन एंड विराट कोहली के सारे फैन हम लोग यही उम्मीद करेंगे। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी की कैप्टेंसी के लिए। आरसीबी की कैप्टेंसी की जो अनाउंसमेंट हो, कब हम सभी को देखने को मिलेगी, इसके ऊपर गाइस हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम सभी को आरसीबी की तरफ से कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही थी। बट गाइस हम सभी को आरसीबी की तरफ से एक अपडेट देखने को मिली है एक सोर्सेस के हवाले से, जहाँ पे गाइस बोला गया है कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट यहाँ पे मीटिंग करने वाली है, मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा आरसीबी का कप्तान कौन बनेगा। और आरसीबी की टीम गाइस यहाँ पे मार्च के 2nd वीक में गाइस अपना कप्तान अनाउंस कर सकती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मार्च के 2nd वीक में गाइस अपना जो कि कप्तान अनाउंस करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, ये अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के कप्तानी को लेके। और कौन बनेगा कप्तान, इसके ऊपर अभी भी ये सवाल, तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।